हेलो दोस्तों, इस फ्लैट पॉलीपोर मशरूम को देखिए। ये मशरूम प्रकृति में डीकम्पोजर यानी विघटनकर्ता का काम करते हैं, जो मृत पेड़ पौधों को विघटित करके पर्यावरण के लिए उपयोगी पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में डालने में मदद करते हैं। इस मशरूम को खाने योग्य भी नहीं माना जाता। इनका प्रमुख पर्यावरणीय महत्व है, क्योंकि ये मृत लकड़ी के अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे पोषक तत्व फिर से मिट्टी में मिलते हैं। इनका आकार सपाट और गोलाकार होता है और यह सीधे लकड़ी की सतह से चिपका होता है। इनका रंग शुरुआती अवस्था में हल्का होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ गहरा हो जाता है। यह मशरूम कठोर और चमकदार होता है और इसे हाथ से तोड़ना मुश्किल होता है। यह मशरूम ये ज्यादातर सड़ेगले पेड़ों के तने या गिरी हुई लकड़ी पर उगते हैं। ये जंगलों में बहुतायत से पाए जाते हैं और कभी कभी उद्यानों में भी दिख सकते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा आमतौर पर चिकना और चमकीला होता है और इसका रंग भूरा, काला या धूसर हो सकता है। अभी चूहों पर अध्ययन से पता चला है कि इनके अंदर के तत्वों में एंटी ट्यूमर के साथ साथ अन्य औषधीय गुण पाए गए हैं। इसका वैज्ञानिक नाम गैनोडर्मा ज़ुगे है और इसे हेमलॉक वानिश शेल्फ नाम से भी जाना जाता है, तथा अन्य भारतीय भाषाओं में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यदि यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।